तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो। आज दिनांक 22 जनवरी 2022 है। जैसा कि अभी इस वीडियो में आप लोगों ने टाइटल पर देखा कि शाम होते होते आलू के दाम में उछाल आ गया। आज क्या हुआ है कि आज जो है आलू का भाव सुबह सुबह जो था छिबरामऊ मंडी में आज 380-370 रुपये से स्टार्टिंग हुआ था और शाम होते 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 धीरे धीरे करके पोजीशन जो है 411 रुपए प्रति कट्टा सफेद आलू तक पहुंच गया था। दरअसल आज क्या हुआ था कि सुबह सुबह हो गया था बारिश, उसकी वजह से नहीं हो पाई थी आलू की खुदाई, इसीलिए जो आलू का दाम था आमदनी हो नहीं पाई, इसलिए दाम जो था थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज उम्मीद है कि कल सुबह आलू का दाम और भी बढ़ सकता है, मतलब कल जो बिक्री है अच्छी देखने को मिल सकती है और कल आलू का दाम मतलब आज से पोजीशन टाइट रहेगा। नबीगंज मंडी की अगर बात करें आज तो नबीगंज मंडी में अभी आमदनी जो है समथिंग 5000 कट्टे की होगी। अभी बिल्कुल मैं नबीगंज मंडी से ही आया हूँ, वहाँ पे आज आलू की जो बिक्री हो रही थी आपका 370 रुपये कट्टा, 380 रुपये कट्टा, 350 रुपये से लेकर और 425-421 रुपये प्रति कट्टा भी मेरे सामने एक दो लाटे बिछी हुई थी। लेकिन जो आलू के भाव थे समथिंग आप 400 रुपये से लेके और 411 रुपये आमतौर पे मान सकते हो, ये भाव अजर बिक रहे थे ये समझो, और आमदनी थी नहीं। और क्या है कि जो काश्तकार है और वो इस समय मतलब जो है आलू मजबूरन में खोद रहे हैं क्योंकि खेतों में झुलसा लग चुका है और उनको गेहूँ की बुवाई भी करनी है, तो अब वो लोग इसीलिए आलू जो है मजबूरन में खोद रहे हैं, इसलिए तो जो आलू की खुदाई है समथिंग इस महीने तक रेगुलर होती रहेगी। अब आलू में जो भी बदलाव होंगे शायद है कि अगले मंथ में ही हो, इस मंथ में कोई संभावना नहीं जताई जा रही है। और जो है अभी यहाँ बारिश का कोई अपडेट नहीं है, अच्छा मौसम है, आज दोपहर बाद मतलब धूप भी निकल आया था और अभी फिलहाल में तेज़ हवाएं चल रही हैं और अभी कोई बारिश की संभावना नहीं है। आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्या है कि आज कानपुर में भी आलू का जो भाव था आपका 330 रुपये, 340 रुपये, 345 रुपये प्रति मन एक सुंदर आलू था वो बिका हुआ था, मतलब 350 रुपये प्रति मन के हिसाब से भी आलू की बिक्री आज कानपुर में देखी गई थी। इक्का दुक्का मतलब लाट बिक गई थी, बाकी 305 रुपये प्रति मन के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही थी। और पुराने आलू की बात करें जो कि पुराना आलू आपका 100 रुपये से लेके और 200 रुपये प्रति मन, चाहे वो लाल हो चाहे वो सफ़ेद, ये पोजीशन आलू की है। और नबीगंज में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है लेकिन पोजीशन कम से कम 25-30 रुपये की आज कल से टाइट है नबीगंज की मंडी में। और क्या है कि उम्मीद है कि कल का पोजीशन और भी टाइट हो सकता है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोग लिए एक छोटा सा अपडेट दे दिया जाए और पता किया जाए कि आपके क्षेत्र में आज दोपहर बाद या अभी मौसम कैसा है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं सबसे पहले और सबसे तेज एकदम कल आलू का बिल्कुल ताज़ा भाव लेकर। और कुछ लोग क्या है कि वीडियो देख रहे हैं मैं झुलसा के बारे में वीडियो डाल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई साहब कि आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि पूरा का पूरा क्षेत्र झुलसा से ग्रसित है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे बिल्कुल झुलसा नहीं लगा है, हम आप लोगों को वो भी दिखाने का फुल प्रयास करेंगे। कल के बाद मैं फील्ड में निकलना प्रारंभ करूँगा जिसमें कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख पाओगे किस क्षेत्र की कैसी स्थिति है। और आप लोग जो है किस क्षेत्र का स्थिति जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। तो मिलते हैं।